अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप विदाउट कैमरा ओपन किए किसी की भी पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, सीक्रेट कैमरा ट्रिक है, ये आपको बताने वाला हूँ। जो काफ़ी लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं भी पता होगा। हमेशा वीडियो उन लोगों के लिए होती है जिनको नहीं पता होता। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही आसान है। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आप अपने फ्रेंड की पिक्चर लेना चाहते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर लेना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल उसको पकड़ा दें तो ऑटोमेटिकली उसकी पिक्चर कैप्चर होनी शुरू हो जाएगी, तो उसको पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो दोस्तों, चलें शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, इसका नाम है HCS सेटिंग। तो दोस्तों, इसका आपको नहीं पता लगेगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, वहाँ से ही जाके आपने इसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, जब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, आपके पास दो चीज़ें आएंगी, HCS और HCS सेटिंग। आपने HCS सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा चूज कैमरा। आपने फ्रंट कैमरे की पिक्चर उतारनी है कि बैक कैमरे की। मैं इस टाइम बैक कैमरे की कर देता हूँ। देखिए, बैक कैमरे, उसके बाद स्नैपशॉट साइज कितना होना चाहिए आपने, मैं 720x480 रख देता हूँ। उसके बाद गैलरी में ये सेव होगी, इस गैलरी में आप उसकी सब पिक्चर आ जाएंगी। तो ये देखें, शो टॉस्ट मैसेज या वाइब्रेशन, जब पिक्चर उतरेगी तो वाइब्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप इसको रहने दें, क्योंकि फिर पता लग सकता है। फिर स्नैपशॉट स्टोरेज, कहाँ पे आपने इसको सेव करना है, आप यहाँ से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऑटो शेड्यूल स्नैपशॉट, तो आपने हर 3 सेकंड के बाद पिक्चर उतरे या हर 5 सेकंड के बाद, या यहाँ पे टाइमिंग है आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप अपना तो वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप का बटन क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी, लेकिन आपने एट एवरी टाइम 5 सेकंड कर देना या 3 सेकंड कर देना है। उसके बाद शटर म्यूट मेथड है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। तो यहाँ से ये सेटिंग शुरू होती है, स्टार्ट HCS। तो दोस्तों, यहाँ मेरे पास एक, ये देखिए मेरे सामने एक कंप्यूटर है, तो जैसे मैं स्टार्ट HCS पे क्लिक करूँगा दोस्तों, ये पिक्चर और ये देखें उतरना शुरू हो गई हैं। तो मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मैं आप ये देखें यहाँ से कोई भी, मैं यहाँ देखें व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूज़ कर रहा होता हूँ, या मैं ये देखें फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ। फेसबुक यूज़ ये करने के साथ साथ मेरी वहाँ पे पिक्चर भी उतर रही हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सिंपल है कि आपने यहाँ पे शेख उसामा 406 लिखना है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं पिक्चर उतर रही हैं। तो यहाँ से देखें इनको, आपने स्टॉप करना, जब आपने उसे पिक्चर ले लेनी है तो आपने HCS सेटिंग पे क्लिक करना और यहाँ से स्टॉप HCS पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये देखिए गैलरी पे जाइए, तो ये देख सकते हैं मेरे सामने, ये देखिए कंप्यूटर था, तो यहाँ पे मेरे सामने पिक्चर्स आ गई हैं मेरे कंप्यूटर की। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मैंने उल्टी सीधी पिक्चर उतरनी है, क्योंकि मैंने मोबाइल को एक जैसा नहीं रखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं यहाँ से सब पिक्चर उतरनी शुरू हो गई है। इस तरह आप किसी की भी पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं बिना कैमरे को ओपन किए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।